नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर, दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे, दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे गोरखनाथ विधि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम। 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की करेंगे अध्यक्षता। दोपहर 3 बजे रामगढ़ ताल क्षेत्र में पहुंचेंगे सीएम योगी। 5-स्टार होटल मैरियट कोर्टयार्ड का उद्घाटन करेंगे। 4 बजे रामगढ़ ताल झील के किनारे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5-स्टार होटल मैरियट कोर्टयार्ड का करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 4 बजे रामगढ़ ताल झील के किनारे पहुंचेंगे सीएम। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और सुबह 10:30 बजे गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर 3 बजे रामगढ़ ताल क्षेत्र में पहुंचेंगे सीएम योगी और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, जहां 5-स्टार होटल मैरिट कोर्टयार्ड का उद्घाटन करेंगे सीएम और इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। 4 बजे रामगढ़ ताल झील के किनारे पहुंचेंगे सीएम और 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे, सुबह 10:30 बजे गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम और 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, दोपहर 3 बजे रामगढ़ ताल क्षेत्र में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5-स्टार होटल मैरियट कोर्टयार्ड का उद्घाटन करेंगे सीएम। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस दौरे को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस चंद समय बाद ही गोरखपुर पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम 11 बजे का लगा। 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सर्किट हाउस पर, और जहां रामगढ़ ताल झील, जो उनकी एक सपना था पर्यटन की दृष्टि से, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन का बढ़ावा देना, खास तौर से पर्यटन सर्किट के, बौद्ध सर्किट के रूप में कुशीनगर, गोरखपुर और अयोध्या को जोड़ने का, वह धीरे धीरे साकार होते नजर आ रहा। आज पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर का रामगढ़ ताल, जो एशिया का नंबर 1 ताल है, उस झील में आज से क्रूज चले गया। जो समुद्रों में क्रूज चलते थे, आज वो रामगढ़ ताल झील में शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और जो विदेशों का लुप्त यहाँ के लोग नहीं ले पाते थे, वह अब यहाँ लुप्त ले सकते हैं। क्रूज पर अपना पार्टी, शादी समारोह, अन्य तरह के कार्यक्रम और घूमने का भी काम कर सकते हैं। खास तौर से रामगढ़ ताल झील के किनारे जो कोर्टयार्ड मैरियन होटल का भी शुभारंभ करेंगे, 5-स्टार जैसे 5 सितारा होटल मुंबई में उसी तर्ज पर यह गोरखपुर का यह होटल बना है। और खास तौर से आज इसका भी लोकार्पण करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में भी 3 दिवसीय कार्यशाला जो चल रही है, उसमें भी शिरकत करेंगे। शिरकत करने के साथ साथ वहां के लोगों को संबोधित भी करेंगे और कल सुबह जनता दर्शन लगा करके पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुन करके समाधान करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। बिल्कुल हरेंद्र, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है, जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, इस दौरान जनता दरबार जरूर सीएम योगी लगाते हैं। इस बार भी जनता दरबार लगाया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा? हाँ, इस बार भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया जाएगा। पूर्वांचल के अनेक जिलों से जनता अपनी समस्या लेकर के उनके जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचती है और पहुंचेगी, अपनी समस्या कहेगी, संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। वही आपको बता दें कि कहीं न कहीं हो गलन और ठंडक को लेकर के आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं किसी सवेरा का भी जो है कि भ्रमण कर सकते हैं, रात्रि में निकल सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ठंड और गलन पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बड़े तेजी के साथ फैली है और लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। खास तौर से सड़कों पर जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है,
धीमी गति से सभी गाड़ियां चलती नजर आ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज रात में हो सकता है कि कहीं ना कहीं वह किसी न किसी स्थान को चयनित करें और भ्रमण करने जाए। यही नहीं, सुरक्षा की दृष्टिगत अगर बात की जाए तो गोरखपुर में जितने भी जगह पर कार्यक्रम उनके लगे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे रामगढ़ ताल झील हो या कोडिया मैरियंट होटल हो या महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय हो, हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।